Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको फ्रांसिस बैकन का फेमस एसे ऑफ स्टडीज कराने वाला हूँ। ऑफ स्टडीज की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो स्टाइल हमें सेम देखने को मिलेगा बैकन का जो कि एफोरिस्टिक स्टाइल है। अब ये एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैकन के जो एसेज हैं वो ऑफ सीरीज से ही स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जो इनकी सीरीज है वो ऑफ होती है, जैसे कि ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ रिवेंज एक्सेट्रा। अब ये जो ऐसे आज मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, फ्रांसिस बैकन का ऑफ स्टडीज, ठीक है ना, ये जो ऐसे है बैकन का ऑफ स्टडीज, इसकी अगर जो हम बात करें तो द एसे ऑफ स्टडीज बाय सर फ्रांसिस बैकन इज द फर्स्ट एसे इन द सीरीज ऑफ हिज 10 एसेज पब्लिश्ड इन 1597। ये जो इनके एसेज की सीरीज है, 10 एसेज की सीरीज, उसमें ये फर्स्ट एसे है दोस्तों जो पब्लिश कब हुआ, जो ये पब्लिश हुई 1597 में, जो बैकन के एसे की सीरीज पब्लिश हुई थी 1597 में, उसका फर्स्ट एसे कौन सा आता है? ऑफ स्टडीज आता है। और अपने अंदर ये जो एसे है दोस्तों, इसका जो स्टाइल हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो स्टाइल हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? एफोरिस्टिक स्टाइल। इसमें हमें देखने को मिलेगा एफोरिज्म, एफोरिस्टिक स्टाइल। अब ये एफोरिज्म होता क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल होता क्या है? जब हम बहुत ही बड़ी बात एक डीप मीनिंग के साथ हम कोई बात कह देते हैं बहुत छोटे शब्दों में, कहते हैं ना कि गागर में सागर भर देना, बहुत ही एक फ्रेज, एक छोटी सी फ्रेज का यूज किया और उसमें लेकिन जो मीनिंग निकला वो बहुत डीप निकला। अब जब मैं आपको ऑफ स्टडीज पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना डीप मीनिंग जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एफोरिस्टिक स्टाइल। इज दैट क्लियर? जो एफोरिस्टिक स्टाइल है वो क्या होती है ये आपको क्लियर हो गई होगी। एफोरिज्म का मतलब अ डीप मीनिंग इन स्मॉल सेंटेंस और स्मॉल फ्रेज। एक छोटी सी सेंटेंस में या फिर एक छोटी सी फ्रेज में क्या यूज करना, डीप मीनिंग का यूज करना, दैट इज कॉल्ड एफोरिज्म, एंड बैकन फॉलोज एफोरिस्टिक स्टाइल। बैकन की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो बैकन को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज के रूप में भी बैकन को जाना जाता है। अगर जो हम बात करें फादर ऑफ एसेज की, वो आप जानते हैं कि मॉन्टेक को माना जाता है, लेकिन अगर जो हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज की तो वो कौन है? वो फ्रांसिस बैकन है, उनको जाना जाता है। अब ये जो बैकन है जिनकी हम बात करें तो इनका एसे ऑफ स्टडीज आज हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो ऑफ स्टडीज By Sir Francis Bacon is the first essay in the series of his 10 essays published in 1597. This is the key point. This is most important question. ये important question है। अगर आप किसी exam की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका question पूछा जा सकता है। और ये भी कि Bacon के essay किस series किससे start होते हैं? Off से start होते हैं, off series से, जो मैंने बताया। Later it was revised in 1612 edition. बाद में इसको revised किया गया 1612 edition में। अब इसके बाद दोस्तों सीधे हम चलते हैं टेक्स्ट लाइंस की तरफ, बैकन के एसे ऑफ स्टडीज की टेक्स्ट लाइन की तरफ। एक एक सेंटेंस का बहुत गहरा मीनिंग है, देखते चलना। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये तीन फीचर स्टडी के हैं। नंबर वन, जो पहला फीचर हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों? सबसे पहला फीचर हमें डिलाइट देखने को मिलता है, दूसरा ऑर्नामेंट देखने को मिलता है, और तीसरा एबिलिटी। These are the three chief traits of study. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what are the three traits of study, what are the three main characteristics of study, your answer will be delight, ornament and ability. क्या आंसर होगा आपका? Delight, ornament and ability. अब ये जो delight है ये क्या होती है, किसको delight कहा जाता है? डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस से, खुशी से मतलब होता है डिलाइट का। और ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण, जो ज्वेलरी होती है उसको ऑर्नामेंट आभूषण कहा जाता है। और एबिलिटी यानी कि योग्यता। तो व्हाट आर द थ्री चीफ ट्रेड्स ऑफ स्टडी? नंबर वन डिलाइट, नंबर टू ऑर्नामेंट एंड नंबर थ्री एबिलिटी। डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, दीज आर थ्री ट्रेड्स ऑफ स्टडी। ये स्टडी के तीन ट्रेड माने जाते हैं, पहला डिलाइट है, दूसरा ऑर्नामेंट है और तीसरा एबिलिटी है। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, आगे ये खुद एक्सप्लेन लाइन में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि डिलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया हैप्पीनेस,
हाउ डू वी गेट डिलाइट बाय स्टडी, हम स्टडी से खुशी कैसे मिलती है। सपोज कोई घर पे नहीं है, आप एकांत में हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो उस समय एक जो बुक है वो एक बेटर कंपेनियन हो सकती है आपकी, एक अच्छी साथी हो सकती है। और उस बुक को पढ़कर आपको क्या मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो जब अकेले होते हैं हम तो मोबाइल चला लेते हैं, हम तो व्हाट्सएप का यूज करते हैं, हम तो फेसबुक का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। दैट इज द डिफरेंट थिंग। बैकन के टाइम में दोस्तों ये फैसिलिटीज नहीं थी, और अगर जो हम आज के सिनेरियो में भी देखें दोस्तों तो कोई अंतर नहीं है। आप स्टडी सोशल मीडिया के थ्रू भी तो करते हैं, और अभी भी जो आप जुड़े हुए हैं वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टडी, ये भी तो पार्ट ऑफ स्टडी है। और जब आप एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, तो आप व्हाट्सएप या फिर आप फेसबुक, आप टेलीग्राम, आप यूट्यूब का यूज करते हैं, और वहां से भी इंफॉर्मेशन आप गेट करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो वही चीज है, हाउ डज स्टडी गिव अस डिलाइट। सो द आंसर विल बी इन वैकेंट टाइम, जब हम खाली समय में होते हैं, फ्री होते हैं, तो उस समय स्टडी को एक बेटर कंपेनियन के रूप में हम यूज कर सकते हैं, तो स्टडी से हमें खुशी मिलती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज इट वर्क एज एन ऑर्नामेंट, ये ऑर्नामेंट आभूषण के रूप में कैसे काम करती है। एक स्त्री आभूषण क्यों पहनती है, क्यों धारण करती है स्त्री आभूषण? योर आंसर विल बी कि सुंदर दिखने के लिए, टू लुक ब्यूटीफुल। भाई सुंदर दिखने के लिए वो आभूषण पहनती है, टू बी द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, वो आभूषण को धारण करती है। लेकिन चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर जो हम स्टडी में आभूषण की बात करें, तो दोस्तों वो जो आभूषण है आपका वो कहां झलकता है, वो झलकता है डिस्कोर्स में। अब डिस्कोर्स का मतलब यानी कि कॉन्वर्सेशन में, हम जब बात करते हैं तो उस बात से ही अंदाजा हो जाता है कि आप कितने सिविलाइज्ड हैं या नहीं है। यही तो होता है, एक व्यक्ति की बातों से आप पता लगा लेते हैं। एक व्यक्ति आपसे बहुत अच्छी तरह पेश आ रहा है, बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज कर रहा है, और एक दूसरा है वो वल्गर वर्ड्स का यूज करता है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट टाइप का है, तो आप एकदम समझ जाते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कितने पानी में है। तो वही चीज है, कॉन्वर्सेशन जो है वो एक इंप्रेशन क्रिएट करती है। तो ऑर्नामेंट के रूप में हमारी जो भाषा है, जो हम डिस्कोर्स का यूज कर रहे हैं, वो काम करती है। तो डिलाइट आपको क्लियर हुआ कि सॉरी ऑर्नामेंट। एबिलिटी क्या, एबिलिटी यानी कि योग्यता, आप अपनी योग्यता स्टडी के माध्यम से कैसे दिखाते हैं। इन केस ऑफ जजमेंट, जब आप जजमेंट करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, एक सही निर्णय लेना, राइट टाइम राइट डिसीजन, सो दैट इज एबिलिटी, वहां पर एबिलिटी देखी जाती है। तो स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलर जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलते रहें। इसके साथ साथ हमारी जो ऐप है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड जरूर कर लें, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें और फेसबुक चैनल को भी, फेसबुक को भी फॉलो करें जो पेज है हमारा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस, जो डिलाइट के रूप में काम करती है प्राइवेटनेस में। प्राइवेटनेस मैंने आपको बता ही दिया कि ये किसके लिए रेफर किया गया है, वैकेंट टाइम के लिए कहा गया है, यानी कि जो एकांत खाली समय है आपका, उस समय के लिए प्राइवेटनेस कहा गया। जब आप अकेले होते हैं तो मेक अ गुड फ्रेंड, किसको, टू योर बुक, अपनी जो किताब है उसको एक अपना साथी बना लीजिए, अपना कंपेनियन बना लीजिए, तो प्राइवेटनेस के रूप में ये काम करती है, मतलब जो खुशी देती है रिटायरिंग, जब हम अकेले एकांत में होते हैं। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, आभूषण के रूप में कब काम करती है, डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स में आपको बता ही चुका हूं, कॉन्वर्सेशन को कहा जाता है, तो वार्तालाप जब आप करते हैं तो आपका आभूषण झलकता है। एंड एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और एबिलिटी आपकी कहां दिखाई देती है, कि आप जजमेंट लेते हैं, और किसी भी रूप में, चाहे वो आपका व्यापार हो, कहीं भी हो, आप कहीं आप नेगेटिव जा रहे हैं और वहां पर उस ढलाव पे आपने एक सही डिसीजन ले लिया, सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर एबिलिटी। तो वही तो एबिलिटी है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ स्टडी टू, और यही तो स्टडी का पार्ट है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही डिसीजन ले सकता है। अब आपने देखा होगा कि आजकल जो ग्रोसरी शॉप होती है, पहले उस पे ऐसे ही अनएजुकेटेड पीपल बैठ जाया करते थे, लेकिन आजकल जो MBA पास आउट हैं
वो अपनी किराने की दुकानों को चला रहे हैं या फिर कुछ अदर जो शॉप्स हैं उनको चला रहे हैं और उनको वो एक स्टैंडर्ड वे में चला रहे हैं, तो ये क्या है? ये एबिलिटी ही तो है। और ये जो योग्यता होती है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम जरूर आती है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ द पार्टिकुलर्स वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग्स ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोस दैट हु आर लर्नेड। देखो दोस्तों, जो अनुभव है वो धीरे धीरे लिया जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे लिया जाता है, लेकिन जो ये साधारण घटनाएं होती हैं और ये जो जीएस होती है, जो सामान्य ज्ञान होता है, समाज से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, वो हमें कैसे पता चलती हैं? वो हमें स्कॉलर से पता चलती हैं, जो विद्वान होते हैं, जो लर्निड पीपल होते हैं, उनके माध्यम से पता चलती हैं। आप भी तो उन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो वही तो चीज है। और समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं और अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसको स्प्रेड करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, यहां पर यह पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जो अगर जो आप बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं स्टडी में, तो वो क्या है? वो स्लोथ है। स्लोथ यानी कि आप लेजीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बींग लेजी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि क्या हमें सारे समय पढ़ते रहना चाहिए? आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। बुकवॉर्म टाइप के जो लोग होते हैं वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, कंटिन्यू कर अपनी जो बुक्स है उसको पढ़ते रहते हैं। आप कहते हैं भाई क्या करके रहोगे तुम, इतनी किताबें पढ़ रहे हो, तो जितना भी सही नहीं है। आपका एक स्केड्यूल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। तो ज्यादा समय व्यतीत करना स्टडी में किस चीज को प्रमोट करता है, किस चीज को बढ़ावा देता है? लेजीनेस को। तो आप सुस्त हो जाएंगे। To use them too much for ornament is an affectation. अगर जो आप इसको ornament के रूप में ज्यादा use करेंगे दोस्तों, तो ऐसा लगेगा कि excess कर रहे हैं आप। और to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. और अगर आप बहुत ज्यादा अपनी ability को show कर रहे हैं, आप शो ऑफ कर रहे हैं, स्टडी का मतलब ऐसा नहीं कि स्टडी है, आपने स्टडी की हुई है तो आप अपने आप को शो ऑफ करें, ज्यादा दिखाएं। अगर जो ज्यादा दिखाओगे ना, तो दोस्तों क्या बनोगे? ह्यूमर का पार्ट बनोगे। यू नो, जो अगर जो आप ऐसा करते हैं, इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, आप हंसी का पार्ट बन जाते हैं। ज्यादा आप अपने आप को शो करते हैं, आपने कुछ लोग देखे होंगे जो फालतू में जो दूसरों के बीच में टांग अड़ा देते हैं, मैटर किसी और का चल रहा है, वो कहते हैं भाई क्या बात है, क्या हो गया, हमें भी तो बताओ। भाई आप दूसरों में क्यों घुस रहे हो, दूसरों को क्यों परेशान करो, क्यों अपनी नॉलेज को बांट रहे हो? और वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि इंडिया में हर घर में एक डॉक्टर और एक वकील जरूर मिल जाएगा। अब ये नहीं कि वो डॉक्टर वकील वास्तव में है, आप समझ गए होंगे कि हर कोई अपने नुस्खे बताता रहता है, अपनी जो रेमेडीज है वो बताता रहता है। और इसके अलावा वो बहुत से लोग अपनी सलाह जो है वो फालतू में दे जाते हैं, तो इंडिया में ऐसा ही होता है। तो वही चीज यहां पर बताइए कि अगर तो आप ज्यादा ऐसा करते हैं ना, तो आप हंसी का पात्र ही बनेंगे, कुछ और नहीं बनने वाले। अब इसके बाद ये देखिए बहुत अच्छी लाइन आई है, द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। परफेक्शन कब आती है दोस्तों? अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। और ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति सीधे एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, नहीं। अगर आपके अंदर एक जज्बा है ना, तो दोस्तों आप डटे रहिए। बहुत से लोग होंगे जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग आपसे ये कहेंगे भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो उस समय क्या होता है कि आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है और आप सोचते हैं कि बेकार है, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको धीरे 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 बढ़ते रहना चाहिए। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, तो जो कछुआ था वो धीरे धीरे चला, खरगोश आगे पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते उसने देखा कछुआ तो भी बहुत पीछे है, भाई अब तो मुझे आराम कर लेना चाहिए। लेकिन कछुआ धीरे 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 बढ़ता हुआ आगे निकल गया। और वो जो ये छोटी सी जर्नी रही दोस्तों, ये एक्सपीरियंस का ही तो उदाहरण है कि कछुए ने एक्सपीरियंस लिया, उसको अनुभव हुआ उस चीज का, और एज अ रिजल्ट क्या मिला? एज अ रिजल्ट विक्ट्री मिली। और जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं, और मेरी आइडियल लाइन आप जानते ही हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। वही चीज होनी चाहिए, आपके अंदर भी एक वॉरियर वाली स्प्रिट होनी चाहिए। और अगर जो आप वो स्प्रिट लेकर चलते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको कोई भी चीज आपको मात नहीं दे सकती। आप वास्तव में
उस चीज को हासिल करके रहेंगे जो आप चाहते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो आप अपने जो टारगेट है ना, अपना जो जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपने सपना देखा है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। कैसे? धीरे धीरे, बाय डिग्रीज, एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। अब इसके साथ साथ, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, जो हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं, वो किसकी तरह होती हैं? नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। अब आपने देखो कि जो पौधे होते हैं उनको हम कल्टीवेट करते हैं, उसमें जो पत्तियां पीली सी हो जाती हैं या फिर सूख सी जाती हैं, तो उनको काट देते हैं या तोड़ देते हैं, अब उनकी जगह नई पत्तियां आती हैं, और यही होना भी चाहिए। प्रॉनिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है दोस्तों, दैट नीड प्रॉनिंग। जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉनिंग की जरूरत होती है। प्रॉनिंग यहां पर मैंने आपको बताया ही, प्रॉनिंग का मतलब क्या है? प्रॉनिंग का मतलब कल्टीवेशन से है। किससे है प्रॉनिंग का मतलब? कल्टीवेशन से, जो उसकी छटाई कर रहे हैं। ऐसे ही स्टडी को भी प्रॉनिंग की जरूरत होती है। स्टडी को प्रॉनिंग की कैसे जरूरत होती है? कि आपको ऑर्डर ऑफ द डे के अकॉर्डिंग चलना है, यानी कि जो आज का चलन है ना, जो आज का कस्टम है, उसको फॉलो करना है। अगर जो आप आज के टाइम में भी क्लासिकल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, आप शेक्सपियर के टाइम की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, आप शेक्सपियर की बुक को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा शेक्सपियर की बुक्स को पढ़कर कि शेक्सपियर किस तरह से, क्या उनकी लैंग्वेज थी, क्या शेक्सपियर का स्टाइल था। लेकिन क्या आज आप उस लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वही चीज है, यू हैव टू मेक अ चेंज, आपको एक बदलाव करना होगा, और वो जो चेंज है वो जरूरी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ वो बदलाव आना चाहिए। ये नहीं कि आजकल इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आ गई हैं, लेकिन अगर जो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आप इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आ गई हैं, लेकिन आज भी आप जो दादा आदम के टाइम पे जो टीचर्स पढ़ाते थे, दो दो तीन तीन पेज में वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आज वो दो मिनट में हो जाता है जरा से पेज में शॉर्ट ट्रिक से। तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए और वो आपको अपने स्टूडेंट्स को भी बतानी चाहिए। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ प्रॉनिंग। वही तो सिस्टम ऑफ प्रॉनिंग है कि इट नीड्स कल्टीवेशन, इसको कल्टीवेशन की जरूरत होती है। तो स्टडी नीड्स प्रॉनिंग, स्टडी को क्या चाहिए? प्रॉनिंग चाहिए। इतना क्लियर हुआ? बाय स्टडीज एंड स्टडी देमसेल्फ डू गिव फॉर डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बाउंडेड बाय एक्सपीरियंस। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्टडीज जो है वो अपने आप में बहुत कुछ डायरेक्शन दे देती है, और धीरे धीरे जो अनुभव है, अनुभव बोलता है आपका। अब यहां से मेन है, क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी। क्राफ्टी मैन कंडम, ये कंडम है दोस्तों, ये टी गलत है, डी है इसके लिए। क्राफ्टी मैन कंडम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम। जो क्राफ्टी मैन होते हैं, क्राफ्टी मैन मतलब अ काइंड ऑफ कनिंग पीपल, जो बहुत चालाक और चंट टाइप के लोग होते हैं ना, उनकी बात हम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? जो चालाक लोग होते हैं वो कंडम करते हैं स्टडी को, यानी कि वो पढ़ाई से जी चुराते हैं। दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द स्टडी, वो पढ़ाई से जी चुराते हैं। एंड सिंपल मैन एडमायर देम, और साधारण से जो लोग हैं वो स्टडी की प्रशंसा करते हैं। अब कैसे प्रशंसा करते हैं? सपोज आप कहीं बाहर जाते हैं और कोई बेचारा गरीब व्यक्ति है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनएजुकेटेड है, तो उसकी आप मदद कर देते हैं, लिखा पढ़ी ना थोड़ी बहुत, तो वो आपको क्या करेगा या करेगी? वो आपको ब्लेसिंग देगा या देगी। और वो जो ब्लेसिंग है वो आपको केवल वहीं पर ब्लेसिंग नहीं देगा, बल्कि जब वो कहीं अलग जाएगा तो वो दूसरे लोगों को बताएगा कि मेरी तो उस पर्टिकुलर मतलब नाम का एक व्यक्ति मिल गया था, या फिर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मुझे मिला था, एक पर्सन मुझे मिला था, एक लड़का मुझे मिला था, एक लड़की मुझे मिली थी, और उसने मेरी मदद की, वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है वो। तो ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो साधारण लोग जो है, कहने का मतलब बैकन यही बात कहना चाहते हैं, सिंपल मैन एडमायर देम, इट मींस जो स्टडी है उसकी प्रशंसा होती है। जो बेचारे साधारण अनपढ़ लोग होते हैं वो पढ़े लिखों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे के काम नहीं आ रहे, आपकी स्टडी किसी दूसरे के काम नहीं आ रही, तो फिर आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा बेवकूफ इंसान, पढ़ा लिखा जाहिल इंसान। तो वही आपके साथ है अगर आप पढ़ लिख कर भी आप किसी के काम ना आए। तो वही चीज है यहां पर, सिंपल मैन एडमायर देम, जो साधारण लोग हैं वो उस प्रशंसा करते हैं, किसकी? पढ़े लिखे लोगों की। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो वाइज मैन होते हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, दे यूज स्टडी, वो स्टडी का यूज करते हैं, और इन शेपिंग देयर करियर, ठीक है, अपने करियर को शेप करने में स्पेशली। और भी तरह से यूज हो सकता है, बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। अब ये ही तो विजडम है जो उनके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, या फिर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, वो अपने विचारों से, अपने थॉट्स से वो जाने जाते हैं, एंड दे आर अप्रिशिएटेड इन सोसाइटी।
और समाज में उनकी प्रशंसा होती है। अब फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स आ जाती है दोस्तों, रीड नॉट टू कंट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट। दोस्तों कंट्रडिक्ट करने के लिए मत पढ़िए, कंफ्यूट करने के लिए मत पढ़िए, यानी कि दूसरे को किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, उसकी बुराई करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, आप पे सपोज करो आप पे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आपका ही कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपके सामने वो जानबूझ के इंटेंशनली वो इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश सेंटेंसेस का यूज करता है या करती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कहते हैं ना अंग्रेजी झाड़ना, वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाह रहा है या नीचा दिखानी चाह रही है। ये ऐसा होता है, तो ऐसा अगर जो आप कर रहे हैं या आपने सोचा कि मैं तो ऐसे करूंगा, शो ऑफ करूंगा, तो उस चीज के लिए आप ना पढ़े, उस चीज के लिए नहीं पढ़ना है आपको। किसी को आपको नीचा दिखाने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं पढ़ना है। और स्टडी अगर जो आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं तो फिर स्टडी करनी बेकार है। तो कभी भी अगर जो आपके अंदर कोई चीज आती है ना, तो अहम नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज, आपका शो ऑफ नहीं होना चाहिए। आप पे इंग्लिश आती है, अच्छी खासी इंग्लिश आती है, लेकिन उसको यूज कहां करना है? व्हेनेवर इट इज नीडेड, जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है ना, तो तब यूज करें, अदरवाइज डोंट यूज इट, यूज ना करें, क्योंकि वो क्या लगेगा, शो ऑफ लगेगा आपका। आपको अपने एग्जाम में दिखाइए, आप किसी सेमिनार में वहां पर अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए, लोगों के होश उड़ा दीजिए उस समय, लेकिन तब नहीं, जब उसकी जरूरत नहीं है तब शो ऑफ मत कीजिए। तो वही चीज यहां पर कहा है बैकन ने कि कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्ट के लिए मत पढ़िए, नो टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। अगर जो किताबों में कुछ लिखा है आपने मान लिया, विश्वास कर लिया, मान लिया, ये भी गलत है। अरे किताबें तो भाई बहुत तरह की होती हैं, तरह तरह की बुक्स होती हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको हर बुक से नॉलेज मिल जाएगी, हर छपा हुआ जो टेक्स्ट है वो आपके लिए वर्दी होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर चीज आपके लिए योग्य होगी। ये जो चीजें हैं, ये जो टेक्स्ट हैं, इसमें भी आपको सिलेक्शन करना होगा कि व्हाट इज गुड और बैड, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस चीज का सिलेक्शन आपको करना होगा। क्योंकि अच्छी किताबें जो हैं वो आपको अच्छी नॉलेज देंगी। आपने लॉन्जाइनस को पढ़ा होगा दोस्तों, तो उनकी एक फिलॉसफी आती है सब्लिमिटी को लेकर, सब्लिमिटी ऑन द सबलाइम आपने पढ़ा होगा। तो सब्लिमिटी क्या होती है? सब्लिमिटी मिक्सचर होती है कंपाउंड क्वालिटी का। तो रीड दैट इज सबलाइम, तो जो सबलाइम है दोस्तों उसे पढ़िए, जो बेकार है उसे मत पढ़िए, उसे निकाल दीजिए। अब ये नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, अब पढ़ाई बातें करने के लिए भी नहीं होती। बहुत से लोग क्या है, पढ़े लिख कर ज्यादा बोलना सीख जाते हैं, फालतू की बकवास करना सीख जाते हैं, वो भी मत कीजिए दोस्तों, ऐसा मत करना। बट वे एंड कंसीडर, जो वे एंड कंसीडर है वो बेस्ट मेथड है। जो वे एंड कंसीडर कैसा है? बेस्ट मेथड है, यानी कि चीजों को आप मेजरमेंट करें, उनको सोचे समझें और तब उसकी स्टडी करें, दैट इज द बेस्ट मेथड। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आ जाती हैं, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड अदर टू बी स्वेरोड। कुछ किताबें कैसी होती हैं? टेस्ट करने के लिए होती हैं, चखने के लिए होती हैं। कुछ किताबें चखी जाती हैं, चखी का मतलब रीड ओनली इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट में हम पढ़ते हैं लेकिन बहुत कुछ गेट कर लेते हैं। अब सपोज करो मैं आपसे कहता हूं भाई आपको कल ओथेलो, एक प्ले है शेक्सपियर का ओथेलो, ओथेलो को पढ़ के आना है। अब आपने सोचा सर ने ओथेलो के लिए बोला है, अब ओथेलो प्ले जो है वो इतना मोटा टेक्स्ट है, कैसे पढ़े हम उसे? तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब से या फिर कहीं समरी मिल जाती है, उसे आप समरी पढ़ जाते हैं, कैरेक्टर से स्टडी कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स स्टडी कर जाते हैं, हो गया काम। तो इसका मतलब आपने क्या किया, रीड उसको टेस्ट किया। न्यूज़पेपर को क्या पूरा पढ़ते हैं, क्या स्टार्टिंग से के लास्ट तक पढ़ते हैं? आप 3 मिनट में 4 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ा के आप छोड़ देते हैं, भाई दूसरे को दे देते हैं तुम पढ़ लो। तो क्या, लेकिन आपको हर न्यूज़ पता होती है, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, चाहे बॉलीवुड से जुड़ी हो, या फिर आपके लोकल न्यूज़ हो, सब आपको पता रहता है क्योंकि आपने उसकी हेडलाइंस पढ़ी, उसको टेस्ट किया है। तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, इस तरह से कुछ किताबें जो होती हैं किसके लिए होती हैं, चखने के लिए होती हैं, टेस्ट करने के लिए। आई होप कि एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रहा होगा। अदर्स टू बी स्वॉलोड, कुछ किताबें निगल जाने के लिए होती हैं। निगलते कब हैं, जब आप बहुत हरीडली पढ़ते हैं लेकिन अटेंटिवली पढ़ते हैं, और जनरली ऐसा कब होता है, एग्जाम के समय होता है।
एग्जाम के समय आप क्या करते हैं, जब आपका एग्जाम पास में आने वाला होता है तो आपने कुछ बच्चों को देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसको रट्टा सा मारने लगते हैं और वो जो रट्टा है उनका वो हमेशा चालू होता है, ठीक है ना, उनका जो रट्टा है वो चलता रहता है। वो उनकी मम्मी ने उनसे कहा, ठीक है बेटा लंच कर लो, लेकिन अभी ऊपर को उसका दिमाग है और कुछ भी वो बोलता रहेगा, मतलब कुछ भी वो इस तरह से जो है अपना जो वो याद कर रहा है उस चीज को उसका रट्टा सा वो लगाए रखेगा या रखेगी। अब एग्जाम रूम तक जाने तक भी यही कंडीशन होती है दोस्तों, ऐसे वो स्टडी करते हैं और जब एग्जाम मिल जाता है उसको एग्जाम पेपर हाथ में आ जाता है तो बस फटाफट लिखना चालू और एग्जाम जब हो जाता है तो वो रिलैक्स फील करते हैं, थैंक गॉड इट्स कंप्लीट, और उनको वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, मतलब जो उन्होंने तैयार किए होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और लेकिन जब वो लोग बाहर आते हैं एग्जाम से निकल कर आते हैं और उनके साथी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा गया, वो कहते हैं बहुत बढ़िया गया, तो भाई ये वाला क्वेश्चन बताना इसका आंसर क्या था, अब याद नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसने उसको स्वैलो किया था। अब आप सपोज करो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप खाना है, खाने को आप स्वैलो करते हैं, निगल जाते हैं, आप खाने को निगल रहे हैं तो निगलते समय तो जब आपने निगला एक ब्रेड को तो क्या उसको आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो आप क्या कर देंगे, वॉमिट कर देंगे या लूज मोशन हो जाएंगे, यही तो दो रास्ते हैं दोस्तों। और ऐसा ही आप वर्ड्स की वॉमिट कर आते हैं, कहां पर, कॉपी पर, उस एग्जाम कॉपी पर वर्ड्स वॉमिट कर दी, अब क्या वॉमिट को आप रीएंटर कर सकते हैं, बड़ा अजीब सा लगेगा, बहुत इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन दैट इज अ रियल फैक्ट, क्या आप उसको रीएंटर कर सकते हैं, नहीं ना, तो स्वेलो आपने कर लिया तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आप, तो सम बुक्स टू बी स्वेलोड, कुछ किताबें कैसी होती है स्वेलो करने के लिए होती है, निकल जाने के लिए होती है। एंड इसके बाद अगर जो हम बात करें अदर्स टू बी एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ चबाने और पचाने के लिए होती है, चबाने पचाने बात वही सब्लिमिटी की आ जाती है, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो दिल करता है कि एक बार और इसको पढ़ें, मूवी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कुछ मूवी ऐसी होती हैं जिनमें सब्लिमिटी नहीं होती, मतलब एक बार देख ली दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है या नहीं देखना चाहते, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आप रिपीट करते हैं, आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट इस तरह की मूवी होगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना कि आपकी कौन सी मूवी है जिसको बार बार देखने का आपका मन करता है, तो वहीं पर ही तो च्यू एंड डाइजेस्ट वाली सिचुएशन आ जाती है और उस मूवी की कहानी आप भूल नहीं सकते, दूसरों को भी बता देते हैं। ऐसे ही कुछ बुक्स होती हैं जो च्यू और डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं, चबाने और पचाने के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में बहुत सी पोएम्स पढ़ी होंगी, जैसे ट्विंकल ट्विंकल पढ़ी होगी और हाथी राजा पढ़ी होगी या फिर कुछ भी अलग पढ़ी होगी, ये एक एग्जांपल मैंने इंग्लिश का दिया, एक हिंदी का दिया, ऐसे ही आपकी भी फेवरेट्स हो सकती हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी वो पोएम्स हैं या कौन सी वो स्टोरीज हैं जो आज तक भी आपको याद है, क्यों याद है, आपने बचपन में पढ़ी लेकिन आपने च्यू एंड डाइजेस्ट किया। आपने देखा होगा जब आप टेबल्स पढ़ते थे, कुछ लोगों को हिंदी में जब टेबल पढ़ाए जाते होंगे 2 + 2 = 2, 2 × 4 = 2, 3 = 4 दो तीन छह, या फिर आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 इस तरह से, तो जो वो एक बच्चा होता था सामने आ जाता था वो उसको डिक्टेट करता था और आप रिपीट करते थे, तो यही तो चलता था, आप उसे आनंद करते थे, उसको एंजॉय करते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, इट मीन्स यू च्यूड एंड डाइजेस्ट, उसको आपने चबाया और पचाया। तो ऐसे ही कुछ किताबें होती हैं किसी चीज के लिए, चबाने और पचाने के लिए। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं वो डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं। अब ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, अ काइंड ऑफ प्योरिफाइड वाटर, जो प्योरिफाइड वाटर होता है जिसको हम यूज करते हैं, ऐसे ही बुक्स होती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जरूरी नहीं कि हर किताब ही अच्छी हो, कुछ किताबें जो है वो आपको अच्छी नॉलेज देती हैं और कुछ नहीं, वो डिसाइड आपको करना है, सेलेक्ट आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं वो किसकी तरह होती हैं, डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, फ्लैशी थिंग्स होती हैं बिल्कुल। रीडिंग मेक द फुल मैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो रीडिंग मेक द फुल मैन, जो रीडिंग है वो इंसान को कैसा बनाती है, फुल बनाती है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस यानी कि जो सेमिनार्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो क्या बनाती है, रेडी बनाती है। और रेडी किस चीज के लिए, रेडी आपको आगे के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको रेडी करती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग जो है वो एक आपको एग्जैक्ट बनाती है। सपोज आप की मेमोरी जो है वो वीक है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हैव थिंग्स इन रिटन, तो आपको लिख लेना चाहिए, उससे क्या होगा कि आप
कि जो चीजें हैं वो याद रहेंगी, आप उनको भूलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे घर पे किसी ने कहा, आपकी मम्मी ने कहा, सिस्टर ने कहा, वाइफ ने कहा, किसी ने भी कहा कि आपको ये सामान लेकर आना है, तो आपको बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी। अब अगर जो आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे ही उसको ले आएंगे। लेकिन अगर मामला थोड़ा भी गड़बड़ा रहा है तो यू शुड कीप इन रिटन, आपको लिख लेना चाहिए ताकि आपकी वो चीज दिमाग में बैठ जाए। तो राइटिंग क्या बनाती है, एग्जैक्ट बनाती है। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, अगर एक व्यक्ति कम लिखता है तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, अच्छी बात है। अगर जो आप नहीं बनाते तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, जो मैं अभी कह रहा था। इफ ही कॉन्फिडेंटली ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट वेट, अगर वो बातें कम करता है तो उसकी प्रेजेंट वेट बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो एक प्रेजेंस होती है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, विट उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स को क्लास में, उनमें से कुछ भोंदू टाइप के होते हैं जो यूं ही बैठे रहते हैं, आपको लगता है तो भोंदू है, इस पर कुछ नहीं आता, लेकिन जब टीचर कहता है उसे कुछ बोलने के लिए तो वो फर्राटेदार बोलता है, इतना बढ़िया बोलता है, या फिर किसी स्टेज पर आपको सरप्राइज कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो है बातें तो कम करता है लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वेट है ना दोस्तों, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव अ मच कनिंग, अगर एक व्यक्ति पढ़ता कम है तो उसको कनिंग बहुत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टोरी है, शेक्सपियर का ही कोई प्ले है, आपने आपको आपके टीचर ने कहा कि इसको तैयार करके लाना है, लेकिन आपने तैयार नहीं किया। अब आप स्कूल में आ गए या कॉलेज में आ गए, कॉलेज में आके आपने अपने साथी से पूछा, भाई तुमने तैयार कर लिया, तो वो कहता हाँ मेरे तो तैयार है, तो सुनाना भाई इसकी स्टोरी। उसने उसकी स्टोरी उससे सुनी और टीचर को रिप्लाई पहले दे दिया, टीचर को बता दिया कि भाई मेरे पे आती है, मेरे को तैयार है। तो ये क्या है, इट्स कनिंग, ये उसका कनिंग होना है कि अगर व्यक्ति पढ़ता कम है तो उसको कनिंग बहुत होना चाहिए। To seem to know that he doth not know, और उसको वो चीज जानने की कोशिश करनी चाहिए जो उसको पता नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, histories make man wise, जो इतिहास है वो इंसान को क्या बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, वाइज बनाता है। पोएट्स विटी, और जो पोएट्री है वो क्या बनाती है, वो विटी बनाती है, यानी कि चंचल बनाती है, सॉफ्ट बनाती है जो पोएट्री है। एंड मैथमेटिक्स सबटिल, और जो मैथमेटिक्स है इट मेक्स द कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या डेवलप करता है, कॉन्सेंट्रेशन को। अगर आपका माइंड इधर उधर जो है घूम रहा है, वॉन्डरिंग कर रहा है, तो यू शुड स्टडी मैथमेटिक्स। तो आपको क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स करना चाहिए, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बना रहेगा मैथमेटिक्स को पढ़ के। इतना क्लियर हुआ, तो मैथमेटिक्स करना चाहिए। नेचुरल फिलोसफी डीप, और जो नेचुरल फिलोसफी है वो डीप नॉलेज देती है, मॉरल ग्रेव, और जो नैतिक शिक्षा होती है ना, मॉरल साइंस, वो सीरियस बनाती है, वो सीरियस टीचिंग देती है। और मॉरल साइंस में यही तो बताया जाता है, सारी सीरियस बातें बताई जाती हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी सीरियस फ्रेंकली। तो उसके लिए क्या हो रहा है, आप सीरियस हो जाते हैं तो जो मॉरल है वो ग्रेव करती है, ग्रेव मतलब वो आपको गंभीर बनाती है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंड, और जो लॉजिक होता है यानी कि जो रीजनिंग जो आपकी पावर होती है वो आपको जो किस चीज के लिए बनाती है, मतलब जो वट एवर इज राइट और रॉन्ग, आप उससे रीजनिंग से वो चीज आप पता लग जाती है आपकी, कि आपकी तर्क शक्ति क्या है, आप कैसा मतलब सही और गलत में कैसे अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद यू नो लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, इसके बाद एबियंट स्टडिया इन मोर्स, बहुत बहुत ये यूनिक लाइन्स आती है, एबियंट स्टडिया इन मोर्स। अगर जो हम इसको देखें तो यहां पर इसका मतलब क्या है, एबियंट स्टडिया इन मोर्स, एबियंट स्टडिया इन मोर्स, इसका मतलब है दोस्तों स्टडी पासेस इनटू द कैरेक्टर्स, स्टडी जो है वो चरित्र से होकर गुजरती है, कैरेक्टर से होकर गुजरती है। तो और कैरेक्टर बिल्ड क्या करती है, स्टडी तो करती है कैरेक्टर को भी बिल्ड, तो इस कैरेक्टर को बिल्ड करने का काम स्टडी का ही होता है। देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट, और जो बुद्धि होती है, विट होती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती। बट मे बी रॉट आउटफिट बाय स्टडीज लाइक एज डिसीज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जैसे जो शरीर है ना, शरीर में बीमारियां होती हैं, उनको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। इन द सेम पैटर्न स्टडी को भी एक्सरसाइज करनी है। अब स्टडी कैसे एक्सरसाइज करेगी, स्टडी को किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, दोस्तों आपको बिल्कुल रेगुलर स्टडी करते चलना है, आपको अप टू डेट रहना है, ऑर्डर ऑफ द डे के अकॉर्डिंग चलना है, तो वो नेचुरली एक्सरसाइज उसकी हो जाएगी।
अब जैसे कि यहां पर ये बताया गया, ये देखिए आप, ये लाइंस बहुत अच्छी आती हैं। बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन्स एंड रेन्स। जो बॉलिंग है वो किसके लिए अच्छी होती है? हमारे स्टोन्स और रेन्स के लिए अच्छी होती है, जो बॉलिंग होती है। अब इसके साथ शूटिंग फॉर द लंग्स, और शूटिंग किसके लिए अच्छी होती है? लंग्स के लिए अच्छी होती है शूटिंग जो होती है, लंग्स और ब्रेस्ट के लिए। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमक, और जेंटल वॉकिंग किसके लिए होती है? स्टोमक के लिए। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको सलाह दी जाती है कि वो वॉक करे, जेंटल वॉक करे। तो जेंटल वॉकिंग स्टोमक के लिए। राइडिंग फॉर द हेड, और घुड़सवारी दिमाग की एक्सरसाइज के लिए जरूरत होती है। एंड दी लाइक सो इफ अ मैन विल बी वॉन्डरिंग, और इसी तरह से अगर एक व्यक्ति का जो दिमाग है वो घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। ये मैंने आपको बताया, इफ अ मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग व्हाट शुड ही स्टडी, योर आंसर विल बी मैथमेटिक्स। तो आपका आंसर क्या होगा? मैथमेटिक्स होगा। तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए अगर उसका दिमाग घूम रहा है। अब इसके बाद देखिए, इफ इज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, अगर वो फिर चीजों को नहीं समझ पा रहा तो उसको दोबारे से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब कोई चीज नहीं आ पा रही तो दोबारा करना चाहिए। इफ ही हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, लेट हिम स्टडी द स्कूलमैन। अगर वो अंतर नहीं लगा पा रहा है, अगर चीजों में अंतर नहीं लगा पा रहा है, तो व्हाट शुड ही स्टडी? ही शुड गो फॉर स्कूलमैन। इट मींस ही शुड स्टडी स्कॉलर्स, उसको स्कॉलर्स को पढ़ना चाहिए। फॉर दे आर सिमनी सेक्टर्स, बहुत अच्छी ये सेक्टर्स की स्पेलिंग से ही कर लेना दोस्तों, दे आर सिमनी सेक्टर्स, वो सिमनी सेक्टर्स हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो। क्या है वो? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर द मैटर्स एंड टू कॉल वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, अगर वो अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर नहीं कह पाता या फिर अपनी बात को नहीं रख पाता है दूसरे के ऊपर, तो क्या करना चाहिए उसको? लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस। दोस्तों ये 197 ये गलत टाइप हो गया है, तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस। तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? वकीलों के केस को पढ़ना चाहिए, लॉयर्स केसेस को पढ़ना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीव, और इस तरह से कोई भी डिफेक्ट हो माइंड की तो उसके एक अलग ही उपचार होता है। तो दोस्तों ये था स्टडी को लेकर, ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बैकन, जो कि एफोरिज्म का यूज करते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल है, जो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यानी कि डीप मीनिंग विद स्मॉल फ्रेजेस और सेंटेंसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को और जो टेलीग्राम चैनल है उसको, और इसके साथ साथ जो हमारी ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर भी हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।